हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू अनदर व्लॉग। राधे राधे सभी दोस्तों को। तो आज मैं जा रहा हूँ श्री श्री राधा गोविंद जी मंदिर, यानी कि इस्कॉन टेम्पल जोधपुर। तो चलते हैं वहाँ और आज दर्शन करवाते हैं आपको, भगवान के प्रभु के दर्शन करवाते हैं। तो दोस्तों, मंदिर मेरे एक घर से मतलब फ्लैट से लगभग 5.5 किलोमीटर दूर था और अभी मैं चलते चलते 1 किलोमीटर आ चुका हूँ और बहुत फास्ट आया, पता ही नहीं चला। तो दोस्तों, मैं सांगरिया सर्कल लगभग पहुंच चुका हूं और आधा रास्ता मैंने तय कर दिया है, अभी आधा रास्ता ही बाकी है। तो इधर दोस्तों पुलिया का काम चल रहा है और मालगाड़ी भी पड़ी है। अरे यार, ये नाला पार कैसे करें। तो दोस्तों, 5.5 किलोमीटर का सफ़र तय करके फाइनली प्रभु के दर्शन के लिए मंदिर पीछे दिख रहा होगा आपको, ये मंदिर है दोस्तों। और तो मैं मंदिर पहुंच चुका हूं सफ़र तय करके। तो दोस्तों, फाइनली मैं इस्कॉन टेंपल पहुंच चुका। तो दोस्तों, मैं मंदिर में आ चुका हूँ और फिलहाल मंदिर के पट बंद है क्योंकि पट खुलने का टाइम है 4:30 बजे का और मैं थोड़ा जल्दी आ चुका हूँ क्योंकि अभी टाइम हुआ है 4:10 और 6:30 बजे होगी आरती। श्रीली प्रभुपाद के दर्शन कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, ये है श्री श्री राधा गोविंद जी सेवा सौभाग्य। अगर आप कोई यहाँ पे सेवा राशि देना चाहते हैं तो देख लीजिए और मंदिर में आके सेवा राशि दे सकते हो और रसीद भी ले सकते हो। और ये है स्कैनर है और इस पर भी आप कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों, ये है इस्कॉन टेंपल, यानी कि श्री श्री राधा गोविंद जी मंदिर जोधपुर। तो आपने वहाँ के दर्शन किए और ये मंदिर का ही पूरा ग्राउंड है, मंदिर की ज़मीन है पूरी की पूरी। और आरती का, शाम की आरती का समय 6:30 पे है। तो अभी टाइम बाकी है तो मैं मंदिर में घूम रहा हूँ दोस्तों। और हालांकि अभी ये बंद है लेकिन पहले इसमें पानी रहता था। और तो दोस्तों, पैदल चल के आया इधर, फबोला भी हो गया है मेरे। हालांकि ज़्यादा दूर नहीं था, 5.5 किलोमीटर ही पैदल चल के आया हूँ लेकिन फिर भी फबोला हो गया है मेरे। लोग हज़ारों किलोमीटर की यात्राएं करते हैं पैदल, पता नहीं कैसे कर पाते हैं।
आए हेलो चोडो हरे कृष्णा बोलो। तो दोस्तों ये था इस्कॉन मंदिर जोधपुर, यानी कि श्री श्री राधा गोविंद जी मंदिर जोधपुर। और दोस्तों मैं 4 बजे आया हुआ हूँ और अभी 7 बज चुके हैं, आरती भी हो चुकी है। तो अब वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और एक बार कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।